सोलन के कंडा घाट में एक व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हो गई। मृतक नालागढ़ का बताया जा रहा है, जो अपने साथियों के साथ ट्रक में बजरी लादकर सोलन आया था। बताया जा रहा है कि देर रात तक वह कंडा घाट के समीप खड़ा था कि अचानक मृतक का फोन इसी खाई में गिर गया। मृतक अपने फोन को खोजने का प्रयास कर रहा था, हालांकि मौके पर उसके मित्रों ने उसे खाई के समीप जाने से भी रोका, लेकिन वह नहीं माना। और जब मोबाइल की तलाश कर रहा था तो उसका अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। अधिक जानकारी देते हुए दमकल विभाग के अधिकारी राजाराम ने बताया कि उन्हें एसडीएम कंडा घाट द्वारा घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही उनकी टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि मृतक का शव, जो कि बेहद खाई में फंसा हुआ था, शव तक पहुंचने का कोई भी मार्ग नहीं था, इसलिए शव को निकालने के लिए भारी मुशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि शव के शरीर पर केवल अधोवस्त्र ही थे। ये एक साधारण घटना है या कोई सोची समझी साजिश? सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के असल कारणों का खुलासा हो पाएगा। सोलन में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। अब तक करीबन 7 महीनों में करीबन 18 लोग इस रोग से प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष डेंगू के ज्यादा मामले परमाणु बद्दी और नालागढ़ से ज्यादा आए थे, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग ने इन क्षेत्रों में जागरूकता फैलाई और लोगों के चालान भी किए गए। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में अभी तक एक भी व्यक्ति को डेंगू नहीं हुआ, लेकिन सोलन शहर में ही दर्जन से ज्यादा मामले डेंगू के सामने आने से स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया और शहरवासियों को जागरूक करने में लगा है। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि सोलन शहर में 7 माह के भीतर अभी तक 18 मामले डेंगू के सामने आए हैं, जिनका इलाज किया गया है, जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू से पीड़ित लोग ज्यादातर वह हैं जो हिमाचल के बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कुछ वह हैं जो कामकाज के सिलसिले में बाहरी राज्यों का दौरा करते रहे हैं। उन्होंने लोगों को परामर्श दिया कि वह उन क्षेत्रों में जाने से परहेज करें जहां ज्यादा मच्छर पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है और उसे ठंड लग रही है या सरदर्द की शिकायत है तो वह तुरंत अस्पताल में जाकर उसका टेस्ट करवाए। मंडी में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। कारगिल विजय दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारियों को लेकर एक्स सर्विस मैन लीग के चेयरमैन प्रताप सिंह की अगुवाई में लिंग के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला प्रशासन से मिला और कारगिल विजय दिवस की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। एक्स सर्विस मैन लिंग के चेयरमैन प्रताप सिंह ने आम जनता से इस दिवस में शरीक होने की अपील भी की। चुनावों के बाद एक बार फिर से कांग्रेस विधायक धनराम शांडिल सोलन के विकास कार्यों का जायजा लेने सोलन शहर की जनता के बीच पहुंचे। उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। धनराम शांडिल ने सोलन के गज बाजार, माल रोड और टैंक रोड का दौरा किया और लोगों की परेशानियों और उनकी मांगों को भी सुना। उन्होंने कहा कि सोलन में कई ऐसे विकास के कार्य हैं जिन्हें नगर परिषद ने पूरा नहीं किया है। कुछ विभाग भी लोगों की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्हें जल्द विकासात्मक कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। धनराम शांडिल ने इस मौके पर कहा कि सोलन मार रोड पर स्थित चिल्ड्रन पार्क की हालत बेहद खस्ता है और यहां पर म्यूजिकल फाउंटेन काफी बरसों से बंद पड़ा है, जिसे नगर परिषद यहां से हटा रही है। वह चाहते हैं कि यहां ओपन एयर जिम लगे ताकि सभी उम्र के लोग इस जिम का फायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि सोलन शहर में शौचालय की भी कमी है, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, जल्द ही इसे दुरुस्त किया जाएगा। सोलन में कुछ दिन पहले एक महिला ने तांत्रिक पर आरोप लगाया था कि उसे पूजा करने के बहाने सुनसान और वीरान जगह पर ले जाया गया, जहां उसे बांधकर फना गांव के तांत्रिक और चेले ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं महिला ने एक और बयान भी दिया था कि जब वह सुनसान जगह पर गई थी तो उसके साथ एक और महिला भी थी। पुलिस काफी समय से उस महिला की तलाश कर रही थी और सोलन पुलिस अपने अभियान में कामयाब भी रही। जांच में पाया गया कि ये महिला भी
तांत्रिक और उसके चेले की हवस का शिकार हुई थी। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित महिला के बयान पर दूसरी पीड़ित महिला को भी खोज लिया गया है। उन्होंने बताया कि महिला के बयानों को लिखा जा रहा है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।